खबर गोंडा जिले से है, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन से नियुक्त नोडल अधिकारी डीजी होमगार्ड गोपाल लाल मीणा देर शाम गोंडा पुलिस लाइन पहुंचे। वहां स्थलीय निरीक्षण करने के बाद शाम को नगर कोतवाली पहुंचने के बाद साइकिल से शहर में भ्रमण किया। एकता चौराहे पर साइकिल छोड़कर पैदल दुकानदारों से, राहगीरों से मिलते हुए और पुलिस के बारे में फीडबैक लिया। वहीं कुछ दुकानदारों से गले भी मिले। महाराजगंज चौकी पहुंचकर संग्राम व्यक्त और सभासदों से मिले। वहीं दीपावली त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाए। दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मीडिया से प्रेसवार्ता में बात कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। दीपावली त्यौहार ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे देखते समय सावधानियां बरतें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पटाखे न दागे। लोगों ने खाद्यान्न माफिया, खनन माफिया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी भ्रष्टाचार निवारण संगठन इकाई जांच कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। कल निरीक्षण किया, आज निरीक्षण किया, क्या पाए और क्या? गोंडा की जो आपराधिक स्थिति है पूरी तरीके से नियंत्रण में है। यहाँ के जो DM और SP साहब पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। पुलिस लाइन में मुझे कुछ कमियाँ मिली, उसको मैंने इंगित किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन कमियों को दूर किया जाएगा। आपराधिक स्थिति का जहाँ तक सवाल है, अपराध कंट्रोल में है, लेकिन जैसे बताया गया कि कुछ तफ्तीशी पेंडिंग है, उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। मैंने ये निर्देश दिया है कि जो भी पेंडिंग तफ्तीशें हैं उनका सफल अनावरण करके इफेक्टिव अरेस्ट की जाए। साथ ही जो माफिया एलिमेंट्स हैं, चाहे वो खनन माफिया हो, वन माफिया हो या अन्य कोई माफिया हो, सर इस संदर्भ में मैंने खनन अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी, आबकारी के अधिकारी, CMO साहब, समाज कल्याण अधिकारी से बात की है और मैंने DM साहब के साथ विचार विमर्श करके हमने कहा कि जो भी माफिया है, अगर वो माफिया गतिविधि में संलिप्त है तो उनके विरुद्ध कानून के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी दशा में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाए। अगर गलत काम कर रहा है तो बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के, निष्पक्षतापूर्वक, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कराए। कई बार क्या होता है, पुलिस किसी के दबाव में आकर के कार्रवाई नहीं करती है। मेरा ये स्पष्ट अभिमत है कि कानून की नज़र में सब बराबर रहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है, अवैध खनन करा रहा है, अवैध परिवहन का संचालन करा रहा है, अवैध शराब बिकवा रहा है, तो उसको छोड़ना गलत है। निष्पक्षतापूर्ण प्रभावी कार्रवाई करें। आम जनता का विश्वास हासिल करना है तो आपको निष्पक्षतापूर्वक जो इस प्रकार के प्रभावशाली लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जनता का आप पर विश्वास कायम हो सके। आज पुलिस को सूचनाएं क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती कि हम कार्रवाई भी नहीं करते और जो सूचना देता है उसके बारे में उसको बता देते हैं, तो पुलिस को कोई सूचना नहीं देता। मेरा ये मानना है कि जो भी प्रभावशाली आदमी है उसके विरुद्ध अगर कोई एविडेंस है, मैं फिर कह रहा हूँ, निष्पक्षतापूर्वक साक्ष्य के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य है तो फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, जेल में कल आपने निरीक्षण किया, साइकिल से गश्त करना या पैदल चलना, मेरा ये मानना है कि चाहे कोई DG हो या कॉन्स्टेबल हो, बेसिकली एक सिपाही होता है। हम एक सिपाही की हैसियत से काम करते हैं। जब हम दबिश देते हैं तभी एक सिपाही की हैसियत से दबिश देते हैं। कोई किसी प्रकार का ईगो नहीं होता। आजकल कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो पैदल गश्त करने में शर्म महसूस करते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं। इसलिए मैंने साइकिल से हम गश्त किए, पैदल गश्त किए और आगे आने वाले समय में हम और ज़्यादा दूरी की गश्त करेंगे। देहात में 15-20 किलोमीटर साइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि जब DG पैदल चल सकता है तो वो भी पैदल चले, उनको प्रेम।